सत श्री अकाल जी सारे नूं। गुरुग्राम डिग्री कॉलेज चक पंजबेलम श्री विजयनगर के इस यूट्यूब चैनल पर तुहाडा सारयां दा स्वागत। मैं अमनदीप कौर हाजिर हाँ जी तुहाडी बीए फर्स्ट ईयर की पंजाबी की क्लास के नाल। अज असीं इत्थे जिहड़ी बीए फर्स्ट ईयर की तुहाडी क्लास लैके हाजिर होए हैं। अपनी इस चल रही क्लास के जिहड़ा कि असीं तुहाडे कवि जिहड़े आ गुरमुख कावधारा के कवि श्री गुरु नानक देव जी उन्होंने जोड़ा उन्होंने शब्द उन्होंने बाणी की पूर्ण जानकारी असं लै चुके हैं। उस तो बाद असी जोड़ा है अगले जोड़े कवि हैं जोड़े शुरू किए हुए साढ़े इस क्लास के है जी श्री गुरु अर्जन देव जी। श्री गुरु अर्जन देव जी के दे जीवन के बारे में असी जोड़ा सा पिछली क्लास के बहुत चंकी तरह जी जानकारी है वह प्राप्त कर चुके हैं। उस तो बाद असी जोड़ा साड़ी कल की क्लास से उस दे विच श्री गुरु अर्जन देव जी का जिहड़ा शब्द है वह जिहड़ा कीता सी फुल्लां की बागात, मतलब फुल्लां दी बगीची, जिस विच श्री गुरु अर्जन देव जी ने मनुख नूं जिहड़ा उस दे जीवन दे नाशवान होण दी जिहड़ी जानकारी उह दित्ती सी कि तेरा जिहड़ा जीवन है वह नाशवान है, इसने एक दिन नाश हो जाना है, यह फुल्लां दी एक बगीची दे समान है, जिस तरह फुल थोड़ चिर दे ले खिलदे हन उस तरह ही मनुख तेनू जिहड़ा ये जन्म है वह थोड़े समय ले मिलिया है। तू जिहड़ा 84 लाख जूना भोगन तो बाद इस दुर्लभ जन्म नूं प्राप्त किया है, सो तेनू इस नूं सार्थक कर लेना चाहिदा है। तेनू प्रभु का जिहड़ा नाम है, परमात्मा का जिहड़ा नाम है, उस नूं सिमर लेना चाहिदा है। क्यों? क्योंकि जिहड़ा मनुखी जन्म तेनू परमात्मा की भगती उसका नाम सिमरन करन दे ले मिलिया है, सो तू व्यर्थ दे जड़े इस जीवन नू गृहस्थी जड़ा है गृहस्थ दे मगर लग के व्यर्थ गवा रहा है। तेनू गृहस्थ विच रहिंदे हुए परमात्मा दा नाम याद करदे हुए सदा उसनू याद करदे हुए कहिंदे इस जन्म नू सफल कर लेना चाहीदा है। फिर इहदे विच उन्होंने दो तीन सानू उदाहरण दित्तियां सी। एक जिहड़ी उदाहरण दित्ती सी गवाले दी दित्ती सी कि जिहड़ा गवाला है जो कि अपने पशुआं नू चारण दे लई कुछ समय लिए जेकर उसके अपने इलाके औड़ पै जाती है तो कुछ समय लिए जोड़े अपने डंगर हैं पशु हैं उन्होंने किसी होर जगह पर लैके चारण लैके चला जाता है, तो उत्थे जाके अपनी वड़ियाई करना उसके लिए कोई चंगी शोभा वाली गल नहीं होंगी। सो जेकर इस तरह ही जिहड़ा जिहड़ा तेरा जीवन है वह भी थोड़ चिरदा है, तू भी जिहड़ा इस जगह नूं छड्ड के चले जाना है, सो तेनू जिहड़ा है अपना जिहड़ा माण हंकार नहीं करना चाहिदा, सगों परमात्मा की जिहड़ी भगती है उसनू कर लेना चाहिदा है तां जो जिहड़ा तेरा जीवन है वह सार्थक बन जाए। फिर जिहड़ा सी इस तरह ही उन्होंने जिहड़ी एक होर सानू उदाहरण जिहड़ी आ उह दित्ती सी उह सीगी जी कहिंदे जिस तरह जे जिहड़े रात दे आए हुए परौणे हुंदे हन उह सवेर होण ते चले जांदे हन, सो इस तरह ही मनुख तों वी इत्थे अपनी जिहड़ी जिंदगी दी रात है उसनू बतीत करके जिहड़ा चले जाना है, तेरी जिहड़ी सवेर है वह अगली सवेर जिहड़ी अगली जन्म की गल जिहड़ी उह करदे हन। कहिंदे तूं अपनी जिंदगी दी रात इत्थे खत्म करके सवेर हुंदे इत्थों चले जाना है, सो तेनू चाहीदा है कि तू गुरु की सिक्ख्या के उत्ते चले परमात्मा के नाम का जाप करें, क्योंकि ये जिहड़ा मनुखी जन्म है तेनू 84 लाख जूना भोगन तो बाद मिलिया है, सो इस दुर्लभ जन्म को सार्थक कर लेना चाहीदा है तां जो तू जिहड़ा है अब परमात्मा के दर पर जाके परवान होने वाला बन जाए। सो ये जिहड़ा सीगा जिहड़ा साडा शब्द सी असी श्री गुरु अर्जन देव जी का कल तुहाडी क्लास दे कीता क्लास दे विच कीता सी जी फुल्लां की बागात। सो जिहड़ा अज दा जिहड़ा शब्द है जिहड़ी असी अज दी तुहाडी क्लास दे विच लैके हाजर होए आ उह शब्द है जी इन विद कुशल होत मेरे भाई, कि जिहड़ी तू मनुख जिहड़ी असली आनंद है असली खुशी है वह किस तरह जिहड़ी तैनू प्राप्त हो सकती है, किस तरह तू परमात्मा नू प्राप्त कर सकता है, किस तरह तू जिहड़ियां खुशियां हैं उन्होंने प्राप्त कर सकता है, किस तरह कहिंदे किहड़े तरीके नाल तैनू आनंद की प्राप्ति हो सकती है, किस तरीके नाल तैनू परमात्मा की जिहड़ी प्राप्ति है वह हो सकती है, तो यह जिहड़ा आत्मिक सुख है वह तैनू किस तरह प्राप्त हो सकता है, ये सब कुछ जिहड़ा है इस शब्द के श्री गुरु अर्जन देव जी ने दसन की कोशिश की है। कल वाले शब्द को ही उन्होंने अगे जड़ा बहुत जाया है उस विषय में ही
लै के अगे जिहड़ा दूसरा शब्द है उन्होंने उसकी रचना की है। इस जिहड़ा कल दा जिहड़ा साडा शब्द सी उहदा विशा इही सी कि मनुख संसारिक जिहड़ा जिहड़ा तेरा जीवन है वह नाशवान है, इसने एक ना एक दिन नाश हो जाना है। सो तेनू समा रहते हुए परमात्मा का नाम सिमर के इस जीवन नू सार्थक कर लेना चाहिए है। सो जिहड़ा अज का शब्द है जी, ये भी उन्होंने इस पर आधारित है कि जिहड़ा संसार है वह नाशवान है, तो मनुख जिहड़ा तेनू परमात्मा का नाम सिमर के उस सच्चे परमा जिहड़ा गुरु दान दी सिक्ख्या ते चल के अपने जीवन नू सार्थक जिहड़ा है वह कर लेना चाहिए है। फिर उन्होंने इस दे विच दसे हैं कि किहड़े किहड़े तरीके हैं, किन्हां तरीकों नाल आनंद की प्राप्ति कर सकता है, किन्हां तरीकों के नाल तैनूं परमात्मा का जिहड़ा मिलाप है वह हासिल हो सकता है। सो जिहड़ा अज दा इह शब्द आ उस दे विच असीं देखांगे कि किहड़े किहड़े तरीके जिहड़े हैं श्री गुरु अर्जन देव जी ने दसे हैं। सो चलते हैं जी साडे इस शब्द के वल कि इहदे विच जिहड़ा गुरु अर्जन देव जी की कहने की कोशिश कर रहे हैं। सो कहिंदे कहिंदे इन विद कुशल होत मेरे पाए, किन विद पहला इन विद कुशल होत मेरे भाई, इतने जो प्रश्न करेंगे किन विद कुशल होत मेरे भाई, किन विद कुशल होत मेरे भाई, किन विद कुशल होत मेरे भाई, क्यों पाई है हर नाम सहाई, क्यों पाई है हर नाम सहाई। रहाओ रहाओ का मतलब होंगे जी रुकना, खड़ते नहीं। कहते कुशल न ग्रह है सब कुशल न ग्रह है, कुशल न ग्रह है मेरी सब माया, कुशल न ग्रह मेरी सब माया, अगे उच्चे मंदर सुंदर छाया, उच्चे मंदर सुंदर छाया, झूठे लालच जन्म गवाया झूठे लालच जन्म गवाया, हस्ती घोड़े देख विगासा, हस्ती घोड़े देख विगासा, लश्कर जोड़े नेव खवासा, लश्कर जोड़े नेव खवासा। हाँ जी, पहला इन्हें की करेंगे आप की कह रहे हैं इन शब्द के जिहड़ा श्री गुरु अर्जन देव जी कहते किन विद कुशल होत मेरे भाई जिहड़ा है उहदा पहला पुछदे हैं कि किहड़े तरीके, किन विद कुशल होत मेरे भाई, क्यों पाई है हर नाम सहाई रहाओ, कुशल न ग्रह मेरी सब माया, उच्चे मंदर सुंदर छाया, झूठे लालच जन्म गवाया, हस्ती घोड़े देख विगासा, लश्कर जोड़े नेम खवासा। फिर कहते हैं कि जिहड़ी ये जीवन उन्हों नाशवान दसते हुए जिहड़ा श्री गुरु अर्जन देव जी कहते हैं, कहते मनुख दे अंदर जिहड़ा आत्मिक सुख है, आत्मिक सुख किन्ना तरीकों के नाल, किन विद कुशल होत मेरे भाई, किहड़े तरीके हैं किन्ना तरीकों के नाल मनुख दे अंदर आत्मिक सुख जिहड़ा है वह पैदा हो सकता है। असल
मित्र परमात्मा कहते क्यों पाइए हर नाम सहाई रहाओ। कहते असल मित्र जिहड़ा परमात्मा है, प्रभुपति परमात्मा है, ओ किस तरह मिल सकता है। कहते केड़े तरीकों के नाल मनुख नूं आत्मिक आनंद की जिहड़ी प्राप्ति है वह हो सकती है, किन्ना तरीकों के नाल असल मित्र परमात्मा जिहड़ा है वह सानूं मिल सकता है। कुशल न ग्रह मेरी सब माया। फिर कहते जेड़े ये साड़ी घर बार हैं, घर का मोह जिहड़ा कि कहिंदा घर का मोह जिहड़ा है वह आत्मिक सुख देने वाला नहीं है। कुशल न ग्रह मेरी सब माया कहते जिहड़ा घर का जिहड़ा सुख है वह आत्मिक आनंद देने वाला नहीं है। तो ये समझ विच भी कोई आत्मिक सुख नहीं है कि यह सब कुछ मेरा है, यह माया मेरी है, ये धन दौलत मेरा है, ये सब जिहड़ा महल माड़ियाँ कहते हैं उच्चे मंदिर सुंदर छाया महल माड़ियाँ सोने घर बार। कहते उच्चे उच्चे महल मंदिर माड़ियाँ सोने सोने घर ये समझण विच कहते कोई भी आत्मिक सुख नहीं है। जेकर तू मनुख ये समझदा है कि जिहड़ा आत्मिक सुख है वह तैनू घर विच जिहड़ा घर विच प्राप्त हो जाएगा, जां जिहड़ी तू माया इकट्ठी कीती हुई है ये जिहड़ी माया है जिसनू तू इकट्ठा कीता होया है इस विच भी आत्मिक सुख प्राप्त नहीं हो सकता, ना ही जिहड़ा ये आत्मिक सुख है वह तैनू सुंदर मंदिरां विचों महलां विचों जिहड़े कि तू अपने रहण लई जिहड़े महल माड़ियां सुंदर जिहड़े हन पाए हुए हन उन्हां विचों सुंदर महलां विचों माड़ियां विचों ना ही बागां दियां छावां विचों तैनू जिहड़ियां सुंदर छाया बागां दियां छावां विचों ना ही तैनू आत्मिक सुख जिहड़ा है वह प्राप्त हो सकता है। इन्हां चीज़ां विचों तैनू किसे चों भी आत्मिक सुख की प्राप्ति नहीं हो सकती। कहिंदे झूठे लालच जन्म गवाया। फिर तू इन्हां दे झूठे लालच दे पिछे लग के अपना जिहड़ा जीवन है उसनों व्यर्थ क्यों गवा रहा है, जब तैनू पता है कि तैनू ना तो जिहड़ा सुख आत्मिक सुख वह ग्रस्त विचों प्राप्त हो सकता है, ना तैनू माया जिहड़ी है तू इकट्ठी कीती हुई है उस विचों सुख प्राप्त हो सकता है, ना ही जिहड़ा ये आत्मिक सुख जिहड़ा उच्चे उच्चे महल माड़ियाँ सुंदर मंदिर जिहड़े बनाए हैं बाग जिहड़े तू लगाए हैं जिन्हां दी सुंदर छां दे विच तू बैठना चाहुंदा है, जब तैनू पता है कि अजिहियां चीज़ां विचों तैनू आत्मिक सुख प्राप्त नहीं हो रहा नहीं होवेगा तो फिर तू इन्हां दे झूठे लालच दे मगर लग के अपना जिहड़ा मनुखी जीवन है उसनू क्यों गवा रहा है, क्यों तू इन्हां दे पिछे लग के अपना जिहड़ा जीवन है उसनू व्यर्थ बना लिया है उसनू व्यर्थ गवा रहा है। अगला जिहड़ा अगे कहते हैं कहते हस्ती घोड़े देख विगासा लश्कर जोड़े नेब खवासा। फिर कहते ने कहते तू जिहड़ा कि मनुख तू हाथी घोड़े हस्ती हाथी घोड़े देख के कहिंदा बहुत ही कहिंदे तू खुशी महसूस कर रहा है। श्री गुरु अर्जन देव जी कह रहे हैं कहिंदे तू हाथी घोड़िया नू देख देख के बहुत ज़्यादा खुशी जिहड़ी आ महसूस कर रहा है, तेरे कोल बहुत सारियां जिहड़ियां हन लश्कर फौजां जिहड़ियां हन ओह तू इकट्ठियां कर लईआं हन, तू फौजां जोड़ के बहुत ज़्यादा जिहड़ी है ओह खुशी जिहड़ी है ओह प्राप्त कर रहा है, पर असल खुशी इन्हां चीज़ां दे विच है ही नहीं है। सो अगे आपां जांदे हां जी अगे लिखदे हां देखदे हां कि उहदे विच की कहिण दी कोशिश कर रहे हैं। कहिंदे लश्कर घोड़े देख लश्कर जोड़े नेब खवासा गल जेवड़ी होमे के फासा गल गल जेवड़ी होमे होमे के फासा गल जेवड़ी होमे के फासा राज घुमावे राज घुमावे राज घुमावे दह दिस सारी दह दिस सारी कहते माणे रंग भोग भोग बहु नारी
माणे रंग भोग बहु नारी जियो जियो नरपत जियो नरपत सुपने सुपने पेखारी सुपने पेखारी एक कुशल मोको सतगुर बताया सतगुर बताया एक कुशल मोको सतगुर बताया हर जो कुछ करे सो हर किया भगता पाया भगता पाया हर किया भगता पाया जन नानक होमे मार समाया मार समाया इन विद कुशल इन विद कुशल होत मेरे भाई इन विद कुशल होत मेरे भाई इयों पाईए हर राम सहाई हाँ जी ऐसे तरीके जो अपना शब्द है जी खत्म होता कहने हस्ती घोड़े देख विगासा लश्कर जोड़े नेब खवासा गल जेबड़ी होमे के फासा राजकुमावे दैद ससारी माणे रंग भोग बहनारी ज्यो नरपत सुपने पेठारी एक कुशल मोको सतगुर बताया हर जो कुछ करे सो हर क्या भगतां पाया जन नानक होमे मार समाया इन विद कुशल होत मेरे पाई इयों पाईए हर राम सहाई सो जिहड़ा अगला पैरा जी कहिंदे मनुख तू हाथी घोड़े देख के बहुत ज़्यादा खुश हो रहा है तेनू ये पता है कि मैं एक राजा हाँ मेरे को हाथी घोड़े फौजा बहुत ज़्यादा हैं कहते तू अपने हाथी घोड़े देख के बहुत खुशी महसूस कर रहा है कहते फौजा इकट्ठिया करता है फौजा इकट्ठिया करता है मंत्री ते नौकर जेड़े हैं वो रखता है लश्कर जोड़े फौजा इकट्ठिया करता है नेव खवासा मंत्री ते नौकर जेड़े ओ तू रखे हुए हैं पर इस तरह कहते तू करके जे तू फौजा जोड़ रहा है मंत्री रखता है नौकर चाकर तेरे अगे पीछे फिरते हैं कहते इस तरह करके तू अपने गल विच होमे का जड़ा फाहा है होमे की जड़ी फांसी का रस्ता है फांसी है उसनू पा रहा है इस तरह करन दे नाल तू अपने गल विच होमे का फाहा जड़ा है वो पा रहा है कहते राजकुमावे दै दिस सारी तू राजा बन के मनुखता दे उपर कहते मनुखा दे उपर चारे पासे जेड़ा अपना इस धरती दे उते राजा बन के राज कमांदा है अपना हुक्म चला रहा है तू राजा बन के इस धरती दे उते सारे मनुखा दे उते जेड़ा राज कमा रहा है कहते माणे रोग रंग भोग बहनारी तू तरह तरह के रंग तमाशे भोगदा है तू तरह तरह दिया मौजा माणदा है हर तरह का जड़ा रंग है तू माण रहा है मौजा माण रहा है जड़िया कहते इस तरह तू जड़ा इसरियां का जड़ा सुख है वह भोग रहा है तू हर तरह की मौज माण रहा है बहुत सारिया इसरियां का जड़ा तू सुख है वह भोग रहा है पर ए सब कुछ कहते बेअर्थ है कहते ज्यों नरपत सुपने पेखारी ए सब कुछ इस तरह है जिमें कोई राजा सुपने दे विच जिहड़ा है
जिमें कोई राजा जड़ा है वह मंगता बन जाता है ते दुखी हुंदा है। ये सब कुछ तेरे लिए इस तरह है, जिस तरह कोई राजा जेकर उसनु सुपना आता है कि वह सुपने दे विच भिखारी बन गया है ते वह जड़ा फिर बहुत ज़्यादा दुखी हुंदा है। सो ये जड़ियाँ चीज़ा हैं तेरे लिए होमे का फाहा बनिया हुई हैं, हंकार तेरे अंदर पैदा हो जाता है ते तेनू जड़े हैं तेरा फिर जो अमुला जन्म है जीवन है वह व्यर्थ चलिया जाता है। सो अगला पैरा कहते एक कुशल मौको सतगुर बताया, फिर कहते जड़ा मैनू एक जड़ा ढंग है वो मेरे सतगुरु ने दस दिता है कि किस तरह मैं आनंद माण सकता हाँ। कहते गुरु जी कहते हैं कि सतगुरु ने मैनू असल आत्मिक सुख जड़ा है, असल आत्मिक सुख जड़ा है उसका जड़ा मूल है वो दस दिता है कि किस तरह मैं जड़ा कि असली आत्मिक आनंद की जड़ी है उस प्राप्ति कर सकता हाँ। मैनू वो असल ढंग मेरे सतगुरु ने दस दिता है, एक कुशल एक जड़ा ढंग है जड़ा मूल है वह मैनू मेरे सतगुरु ने दस दिता है कि मैनू किस तरह जी आत्मिक की आनंद की प्राप्ति हो सकती है। वह मूल की है वह गुण की है, कहते हर जो कुछ करे सो हर क्या भगता पाया, फिर कहते परमात्मा जड़ा कुछ भी कर रहा है, जो कुछ परमात्मा कर रहा है परमात्मा दी रजा दे विच राजी रहन दा, कहते जो परमात्मा कर रहा है वह चंगा कर रहा है, परमात्मा दी रजा दे विच राजी रहन दा जड़ा मूल है वह मैनू मेरे सतगुरु ने दस दिता है कि परमात्मा जो कुछ कर रहा है वह चंगा कर रहा है, परमात्मा दे भगतां नूं सदा ही वह चंगा लगता है। कहिंदे जिहड़े परमात्मा दी रजा दे विच राजी रहना सिख जांदे हन वह सब कुछ प्राप्त कर जांदे हन। कहिंदे जो कुछ परमात्मा करता है उस दे भगतां नूं चंगा लगता है, उस दे भगत हमेशा उन्हां नूं उस नूं स्वीकार करदे हन, खिड़े मथे मनदे हन ते उन्हां नूं उह चंगा लगता है। कहिंदे जन नानक होमे मार समाया, फिर जिन्हां लोकां नूं परमात्मा दी रजा दे विच रहना आ जाता है, जेडे परमात्मा दे भगत उस दी कीती हुई नूं चंगा समझदे हन, जो परमात्मा करता है वह चंगा करता है, जेडे उस दे भगत इस गल नूं समझ जाते हैं कहिंदे फिर उन्हां दे अंदरों जिहड़ा होमे रूपी रोग है वह खत्म हो जाता है, वह होमे नूं मार के होमे नूं खत्म करके बड़े भागां वाले हो जाते हैं। वडभागी मनुख जिहड़े हन अजिहे मनुख फिर परमात्मा दे विच कहिंदे होमे नानक होमे मार समाया, अजिहे मनुख फिर परमात्मा दे विच लीन जिहड़े आ उह हो जांदे हन, जिन्हां दे अंदरों अजिहे मनुख जिहड़े परमात्मा दी रजा दे विच राजी रहना सिख जांदे हन उन्हां दे उत्ते परमात्मा दी फिर अजिही मेहर हुंदी है कि उन्हां दे अंदरों होमे दा जिहड़ा रोग है उह खत्म हो जांदा है। ते अजिहे मनुख जिहड़े होमे नूं खत्म करके वड्डे भागां वाले बन जांदे हन ते फिर अजिहे वड्डे भागां वाले लोक परमात्मा दे विच जिहड़ा लीन आ उह हो जांदे हन। ते इस तरह इन विद कुशल हो तो मेरे भाई ते फिर इस तरह उन्हां नूं आत्मिक आनंद दी जिहड़ी प्राप्ति है उह हो जांदा हो जांदी है। फिर यही तरीका है जी इन विद कहिंदे यही विधि है यही तरीका है जिस दे नाल मनुख तीनों जड़ी है वो आत्मिक आनंद की जड़ी प्राप्ति है वो हो सकती है। यो पाईए हर राम सहाय, फिर इस तरह जड़ा परमात्मा है, इस तरह जड़ा सच्चा परमात्मा है, सच्चा जड़ा तेरा दोस्त मित्र परमात्मा है वो तेनों प्राप्त हो जाता है, जो कि हर समय तेरी सहायता करता है, हर समय तेरे नाल रहता है, हर समय तेरी सहायता जड़ी है वो करता है। सो इस तरह जड़ा है तू उस परमात्मा नू जड़ा है प्राप्त कर लेता है ते तेनू जड़ी आत्मिक आनंद की प्राप्ति है वो हो जाती है। यही तरीका है उस परमात्मा नू प्राप्त करन दा, यही विधि है उस परमात्मा दे जड़ी है उस परमात्मा की नेड़ता जड़ी है जिस नाल प्राप्त हो सक जाती है। सो ये जड़ा साडा शब्द सी जी अज दा
श्री गुरु अर्जन देव जी का लिखा हुआ शब्द इन विद कुशल होत मेरे पाई। पहला उन्होंने दसिया कि केड़ी विधि है जिस नाल सानू जिहड़ा सुख प्राप्त हो सकता है, केड़ी विधि है किस नाल सानू जिहड़ा है वह आत्मिक आनंद की प्राप्ति हो सकती है, किस तरह यह जिहड़ा है वह परमात्मा सानू जिहड़ा है प्राप्त हो सकता है, उस परमात्मा की प्राप्ति किस तरह सानू जिहड़ी है वह हो सकती है। कहिंदे मनुख तू जेकर समझदा है कि असली आत्मिक आनंद की प्राप्ति तेनू घर विचों ग्रह विचों हो सकती है घर विचों हो सकती है तां वह सब कुछ गलत है। तू समझदा है कि जो तै माया जोड़ी है माया जोड़ी है तू उस विचों जिहड़ी आत्मिक आनंद की प्राप्ति कर लवेगा। तू उच्चे उच्चे मंदिर माड़ियां महल सोहने जड़े हन बना ले हन सोहने बाग लगवा ले हन शाह प्राप्त करन दे ले। ते जे तू समझदा है कि तू इस विचों आत्मिक आनंद प्राप्त कर सकता है तो यह सब तेरे लिए गलत है, इस दे विचों तेनों आत्मिक आनंद जिहड़ा है वह प्राप्त नहीं हो सकता। तू इन्हां दे झूठे लालच के मगर लग के सिर्फ अपना जिहड़ा जीवन है उसनों गवा रहा है, इन्हां दे विच कोई भी आत्मिक आनंद तेनों पैदा प्राप्त नहीं हो सकता। सो कहिंदे तू एक राजा बन के हाथी घोड़े देख के बहुत ज़्यादा खुशी महसूस कर रहा है, तू फौजा जोड़ लिया हन मंत्री रख ले हन नौकर चाकर रखे हुए हन, कहते ये सब तेरे गल विच होमे दा फाहा पाउण लई ही हन, इस नाल तेनू आत्मिक आनंद प्राप्त नहीं हो सकता। तू कहते राज कमाउंदा है तू सारी जिहड़ी धरती है सारे मनुखां दे उत्ते राज कमा रहा है बहुत ज़्यादा मौजा माण रहा है बहुत ज़्यादा इस्त्रियां दा सुख माण रहा है, कहते ज कहते ये सब कुछ इस तरह हैं जिस तरह कोई बहुत वड्डा राजा जदों सुपने विच पैखारी बन जाए तो उसनों बहुत ज़्यादा दुख जिहड़े हैं वह झलने पैंदे हैं। सो कहते ये जिहड़े तरीके हैं इन्हां दे नाल तू कदे भी आत्मिक आनंद की प्राप्ति नहीं कर सकता, तेनू कदे भी परमात्मा जिहड़ा है वह प्राप्त नहीं हो सकता। फिर कहते परमात्मा किस तरह प्राप्त हो सकता है किस तरह वह आत्मिक आनंद की प्राप्ति हो सकती है, कहते इस दा जिहड़ा उत्तर है वह मैनू मेरे गुरु ने जिहड़ा है वह दे दिता है, मैनू मेरे गुरु ने एक बहुत ही वधिया ढंग जिहड़ा है मैनू इसका असली राज इसका मूल जिहड़ा है दस दिता है कि किस तरह जिहड़ा है मैं परमात्मा नूं प्राप्त कर सकता हाँ, उसकी सिक्ख्या मैनू मेरे गुरु ने दस दिती है, मैनू मेरे गुरु ने सब कुछ जिहड़ा ज्ञान है वह दे दिता है। कहते जिहड़ा आत्मिक सुख है उन्होंने ही प्राप्त कर होता है, जो लोग हर जो कुछ करे सो हर किया भगतां पाया, अजिहे लोग जिहड़े परमात्मा की रजा दे विच राजी रहना सीख जाते हैं परमात्मा जो कुछ करता है चंगा करता है इस नूं समझ जाते हैं, तो परमात्मा जो कुछ करता है उन्होंने भगतों को बहुत ज़्यादा चंगा लगता है, वो भगत उस परमात्मा के भाणे के विच रहना सीख जाते हैं। फिर कहते अजिहे लोग जो परमात्मा की रजा के विच राजी रहना सीख जाते हैं उन्होंने अंदरों होमे जिहड़ा है उसका नाश हो जाता है, होमे रूपी रोग जिहड़ा है वह खत्म हो जाता है। जदों फिर इन्हां मनुखां दे अंदरों होमे खत्म हो जाता है तां वह वड्डे भागा वाले बन जाते हैं, अजिहे वडभागी लोग फिर परमात्मा दे जिहड़ी है विच लीन हो जाते हैं, अजिहे वडभागी लोग फिर परमात्मा दे चरणां विच लीन हो जाते हैं। सो यही तरीका है यही विधि है जिस दे नाल जिहड़ा आत्मिक आनंद की प्राप्ति हो सकती है, यही तरीका है जिस दे नाल परमात्मा नूं प्राप्त किया जा सकता है, वह परमात्मा जो सदा ही तेरे नाल रहता है सदा तेरी सहायता करता है सदा जिहड़ा है तेनों सुख देने वाला है, अजिहे परमात्मा नूं फिर तू जिहड़ा है उस दी रजा विच राजी रह के प्राप्त कर सकता है। सो ये जिहड़ा शब्द सी साडा अज दा इन विद कुशल होत मेरे भाई जिहदे विच उन्होंने परमात्मा की प्राप्ति का असली जिहड़ा ढंग सी असली तरीका सी मूल से उसनों सानू चंगी तरह जिहड़ा है दस्या है। सो अज दा जिहड़ा ये शब्द है जी इत्थे ही समाप्त होंदा, कल की जिहड़ी क्लास है उस विच असीं श्री गुरु अर्जन देव जी का अगला जिहड़ा शब्द है वह लैके हाजिर होवांगे। सो इस शब्द का केंद्रीय भाव मैं हर क्लास में एक ही गल जरूर कहनी हाँ कि जिहड़ा केंद्रीय भाव ते सार कोशिश करिया करो अपनी कापियां दे विच नोट जरूर करके रख्या करो ताकि ये केंद्रीय भाव सार थोड़ी एग्जाम दे टाइम मदद कर सकन। सो इसका केंद्रीय भाव
ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਆਪਣੀਆਂ ਕਾਪੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੋਟ ਕਰਕੇ ਰੱਖਿਓ ਕਿ ਕਿਹੜਾ ਤਰੀਕਾ ਹੈ, ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਮਨੁੱਖ ਹੈ ਉਸਨੂੰ ਆਤਮਿਕ ਆਨੰਦ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਉੱਤਰ ਜਿਹੜਾ ਅੰਤ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਨੇ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਮਨੁੱਖ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਰਜਾ ਵਿੱਚ ਰਾਜੀ ਰਹਿਣਾ ਸਿੱਖ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਉਹ ਫਿਰ ਵੱਡੇ ਭਾਗਾਂ ਵਾਲਾ ਹੋ ਕੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੀਨ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਸਨੂੰ ਆਤਮਿਕ ਜਿਹੜਾ ਆਨੰਦ ਹੈ ਉਸਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਹੜਾ ਕੇਂਦਰੀ ਭਾਵ ਹੈ ਉਹ ਆਪਣੀ ਕਾਪੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਰੂਰ ਨੋਟ ਕਰਕੇ ਰੱਖਿਆ ਕਰੋ। ਅੱਜ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਕਲਾਸ ਇੱਥੇ ਹੀ ਸਮਾਪਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜੀ। ਮਿਲਦੇ ਹਾਂ ਸਾਡੀ ਅਗਲੀ ਕਲਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਗਲੇ ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਨਾਲ। ਸੋ ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ।